हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज आपकी रीडिंग को। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि क्या आपके पर्सन को आपकी परेशानियों के बारे में पता है, ठीक है, कितना वो आपको समझ पाते हैं, या फिर क्या वो आपके बारे में जान पाते हैं, आपकी परेशानियों के बारे में, आपके पेन के बारे में। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की परेशानियों के बारे में कितना जानते हैं, कितना उन्हें एहसास है उनके पेन का। लेट्स सी। सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, सन, टावर, एम्प्रेस। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम से वी हैव फोर ऑफ कप्स, ओके, फाइन। ओके डियर, आई होप आपको सभी कार्ड्स नजर आ रहे हैं। तो क्या आपके पेन के बारे में आपके पार्टनर को पता है? एक्चुअली इस पर्सन की दो एनर्जीज यहां पर निकल कर आई हैं, ठीक है। एक तो किंग ऑफ कप्स की आई है, एक किंग ऑफ सॉर्ड्स की आई है। ओके, आपका जो पार्टनर है इसकी दो एनर्जीज यहां पर निकल कर आई हैं। ये दोनों ही एनर्जीज दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि एक तरफ आपका पार्टनर बड़ा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, यानी कि बहुत लविंग एनर्जी है, काफी फीलिंग्स हैं, काफी इमोशंस हैं, काफी कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा रूड एनर्जी है, इकोस्टिक एनर्जी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एनर्जी है। मतलब एक तरीके से एक है आपका, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक है दिल की एनर्जी, एक है दिमाग की एनर्जी, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब इस वक्त में जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो ऐसा सिस्टम चल रहा है, दिल दिमाग दिल दिमाग दिल दिमाग दिल दिमाग यहां घूम रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये पर्सन बड़ा ईगो में ही है, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ कप्स की एनर्जी है, मतलब इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स इमोशंस भी हैं, लेकिन ये दोनों एनर्जी में घूम रहे हैं। कभी इनको बहुत गुस्सा आता है, ईगो हो जाता है, कभी इनको बड़ा ही अपने आप को बहुत रूड समझते हैं ये, और फिर जब जैसे ही अकेले बैठते हैं, आपकी पुरानी बातों को याद करते हैं, और अपनी की हुई गलतियों को याद करते हैं, तो फिर बड़ा पछतावा टाइप्स होता है, देन इमोशनल हो जाते हैं। तो मतलब एनर्जी है ये कभी भी चेंज हो सकती है, एक घंटे बाद ये, दूसरे घंटे बाद वो, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की फिलहाल निकल कर आई है। अब यहां पर क्या आएगा, इसी कि सबसे पहले ना
इस वक्त में जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आपके पर्सन की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को नहीं बल्कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को मैच कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो एकदम टकराव वाली निकल कर आई हैं। मतलब अगर आपका पर्सन बहुत ही रूड और ईगोइस्टिक है तो आप भी बहुत रूड और ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के हाथ में तलवार है और दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब इस वक्त में अगर आपकी और आपके पर्सन की बात हो जाए तो कोई भी आमने सामने आकर आराम से बात नहीं करेगा, ठीक है ना। कई बारी जब आप दोनों का युद्ध हो जाता है यानी कि झगड़ा हो जाता है उस वक्त आप समझ सकते हैं कि आप इसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपके अंदर आपके कनेक्शन में बड़ा लव रहता है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे बीच में किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट यहाँ पर आप लोगों के बीच में फिलहाल ये एनर्जी है। इट मीन्स कि अगर इस वक्त में आप लोग बातचीत करते हैं और यहाँ पर जो एनर्जीज है उस हिसाब से अगर आपकी बात नहीं सुनी गई या इस पर्सन की बात नहीं सुनी गई तो आप दोनों झगड़ा करने के पूरे लग रहे हैं आसार। तो इस वक्त में आप दोनों काफी दोनों ही काफी प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं। तो जब दोनों का ही मैस्कुलिन साइड एक्टिव हो रखा है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि झगड़ा पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुझे और चीज नजर आती है वो ये कि आपकी पर्सन आपको इसी तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। इस वक्त में इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप एंटरटेन करने के मूड में नहीं हो, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा लव 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 करने के मूड में नहीं हो, बहुत ही ज्यादा आप इमोशन 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 करने के मूड में भी नहीं हो, ये तो इनको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है गाइस, जब ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं तो इनको आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर टावर की एनर्जी है तो इस पर्सन की हिम्मत भी नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की। आप ये कार्ड देख सकते हैं, टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप ये कनेक्शन में टावर मूवमेंट है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। तो ये पर्सन बस खड़े होकर सोच रहे हैं, मतलब मन तो होता है गाइस आने का, ठीक है ना, बातचीत करने का, लेकिन जब आप इस एनर्जी में होते हो ना तो इंसान डरता है आने के लिए, ठीक है। जब वो समझ रहे हैं आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को कैच कर पाते हैं, पिक कर पाते हैं, उनको समझ में आता है, जब वो आपको इतनी रूड एनर्जी में देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि उनका एक्शन बड़ा स्लो दिखाई देता है मुझे। मतलब ये है कि ये आएगा कैसे, ठीक है। मतलब आपका पर्सन जो है वो आपके पास आएगा कैसे, सिर्फ खड़े होकर सोचेगा, पर इस एनर्जी को ऑफर करना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब आपकी गणेश में टावर चल रहा है तो ये पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब क्या किस तरीके से ये आपको समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है, इस पर्सन को ये चीज समझ में आती है कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इस चीज से हर्ट नजर आते हो। सी, ये कार्ड दोनों मुझे ऐसे मतलब मैसेज दे रहे हैं कि जैसे आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। जैसे ये क्वीन ना इस कार्ड को जिस तरीके से देख रही है, जैसे आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, या फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे लव ऑफर को वापस करने की या फिर उसको एक्सेप्ट ना करने की। मतलब जैसे आप उस दर्द को कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि इंसान को बहुत जब हर्ट हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो जाता है, फिर उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है, बहुत रूड ईगोस्टिक या बहुत गुस्से में वो बिहेव करता है, एंगर इश्यूज आ जाते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनको वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है कि ये क्यों किया, ठीक है। तो मतलब जैसे मुझे ये लग रहा है कि क्वीन इतने गुस्से में इधर देख रही है कि ये तुमने, मतलब आप में से काफी सारे लोग इस चीज को भुला नहीं पा रहे हैं। भुलाना तो छोड़िए, मतलब आपके दिल और दिमाग में ये चीज बहुत चलती रहती है और आप इस वजह से काफी गुस्से में हैं। जैसे आप इस चीज के बारे में झगड़ा करना चाहते हैं या फिर आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है जैसे आप चाहते हैं कि वो आपको इस चीज की पूरी क्लैरिटी दें कि उनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो मतलब ये एनर्जी है, तो ये पर्सन ये बात समझ रहे हैं बड़े अच्छे से कि आप बहुत गुस्से में हैं इस वक्त, ठीक है ना। मतलब दर्द की एनर्जी छोड़ी है, पर्सन आपको बहुत गुस्से में देख रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने इस बार कुछ ऐसा कर दिया है जो माफी के काबिल नहीं है। दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी भी है, तो जैसे ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के पीछे कार्ड आया है वर्ल्ड का, हालांकि वर्ल्ड कहीं ना कहीं कोई साइकिल की बात करता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये एक मैसेज दिया है। जैसे इसके पीछे ये कार्ड आया, जैसे लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा भी देखते हैं कहीं ना कहीं कि आप
आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये यूनिवर्स दिख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट है। दूसरा मुझे एक मैसेज और भी मिल रहा है कि आप ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ 3-3 के तीन कार्ड्स आए हैं, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। ये एम्प्रेस कार्ड दिखा रहे हैं कि आप लोग में से काफी सारे लोगों के कनेक्शन में मदर इशू है, ठीक है। आप में से काफी सारे लोगों के कनेक्शन में मदर इश्यू है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी कनेक्शन में हो ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 3 की एनर्जी है, यहाँ भी 3 की एनर्जी है और यहाँ भी 3 की एनर्जी है। आपके कनेक्शन में या तो फ्रेंड्स हैं थर्ड पार्टी, या मदर हैं, या फिर फैमिली या समाज है, ठीक है। इसकी वजह से भी ये कनेक्शन में अभी टावर दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि आपके पर्सन की साइकिल नजर आ रही है, यानी कि कुछ लेसन है। अगर थर्ड पार्टी आती है तो यानी कि लेसन है, ठीक है। अगर कोई बीच में कनेक्शन में आ रहा है, यानी वो लोग अब कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है, आपके पर्सन को, तो इसीलिए बीच में आ रहे हैं, यानी कि उनसे आपके पर्सन अब कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है, इसीलिए वो बीच में आ रहे हैं। लेकिन जो भी है, यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बड़ा गुस्से में देख रहा है। मैं तो ये देख रही थी कि आपको कितना पेन में देख रहे हैं। हालांकि ये आपको पेन में, इनको पता है कि इन्होंने आपको पेन दिया, लेकिन ये अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जीज को काफी गुस्से में देख रहे हैं। तो ऐसे में ये गाइज अपने इमोशंस लेकर तो आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। मतलब जब वो आपको इतने गुस्से में देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास इमोशन लेकर नहीं आएगा, मतलब इमोशन नहीं दिखाएगा। कोशिश करेगा आपसे टकराव रखने की, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो मतलब जैसे आपके पास आएंगे भी तो अपना ईगो कम करके नहीं आएंगे, अगर बात करते हैं, भले ही चाहे अंदर कितना भी सफर कर रहे हो, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है अभी, या फिर ये सफर कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, ये उस चीज में सफर कर रहे हो सकते हैं। लेकिन ये आपको ऐसा प्रटेंड नहीं करेंगे, ये आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हाँ मैं एक्चुअल में सफर कर रहा हूँ। ये आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, ठीक है। और ये आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे, आज भी ये इंसान बड़ा ईगोस्टिक है, ठीक है। कुछ लोग अंदर से कुछ और होते हैं और दिखाते कुछ और हैं, या मतलब चल कुछ और रहा होता है, शो कुछ और ही करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों में आपके पर्सन की गिनती हो सकती है, डेफिनेटली ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। इनको पता है गाइस, इन्होंने जो ये बीच में बड़ा कार्ड आया है ना टावर का, इनको ये चीज पता है कि इन्होंने ये काम गलत किया है। आपको लेकर अगर मैं बात करूं किंग ऑफ कप्स, तो ये पर्सन पॉजिटिव रहते हैं। सन की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं और काफी पॉजिटिव है। मतलब आपके बारे में ये पर्सन किसी भी तरीके से गलत नहीं सोचते। हाँ, इनको ये पता है कि आप गुस्से में होंगे क्योंकि इन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि आप कुछ गलत कर नहीं सकते हैं। ये आपको लेकर काफी पॉजिटिव हैं, ठीक है। गुस्सा तो सबका अधिकार है, अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो गुस्सा सबको आता है, सब ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं, रूड हो जाते हैं, बट फिर भी ये पर्सन को ऐसा है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते। आपके लिए, आपको लेकर काफी पॉजिटिव है, मतलब आपसे कुछ गलती नहीं होगी, मतलब आप गलत नहीं करेंगे किसी के साथ भी, ठीक है। फिलहाल तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप शायद हो सकता है फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी तरीके की विक्ट्री मिली है या सक्सेस मिली है, या आप कुछ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं। हो सकता है कि आप पब्लिकली कोई काम कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपको किसी चीज में सक्सेस मिली हो सकती है, सेलिब्रेट कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहे हैं। फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दुखों को ओवरकम कर लिया है, आपने अपने पेन पर ओवरकम कर लिया है, आपने अपनी फीलिंग्स को ओवरकम कर लिया है, अपने जो भी आपकी सफरिंग थी उसको आपने ओवरकम कर लिया है, ऐसा ये पर्सन आपके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ हम लेते हैं ओशो ज़ेन से, ओशो ज़ेन के डीप कार्ड्स देखते हैं और क्या निकलता है। अगेन सेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन, अलोननेस, सॉरो एंड करेज। ओके
आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर उन्हें सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए देख रहे हैं. आप हो सकता है नई नई चीजों में अपने आप को अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, क्रिएटिव साइड पर काम कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एग्जाम कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो. दूसरा यहाँ पर अलोननेस सौरो की एनर्जी है. तो ये तो जानते हैं कि आप अकेले हैं इस वक्त, ठीक है. आपका जो भी पार्टनर है वो ये बात जानता है, अलोननेस की एनर्जी है. आप काफी अकेले हैं इस वक्त और अकेले हैं और इनको लग रहा है कि सौरो की एनर्जी के साथ कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि हाँ आप दुखी दुखी हो सकते हैं, लेकिन इनको इतना ज्यादा दुख आपके अंदर नहीं नजर आ रहा है, बल्कि करेज नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है. क्योंकि खुद कभी कभी दुखी होते हैं तो ये डेफिनेटली ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी कभी कभी दुखी होते होगे या फिर शायद रातों को जागते हो. बट यहाँ पर करेज की एनर्जी भी है, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो गए हैं. पहले से तो आप बहुत पावरफुल हो गए हैं, काफी स्ट्रेंथ में आप आ गए हैं, करेज आ गया आपके अंदर, ठीक है. इस एनर्जी में बहुत करेज है भाई, बहुत ही एनर्जी में करेज है, ठीक है. अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, ज्यादा आपको रोते धोते नहीं देख रहे गाइस. इनको ना ऐसा लग रहा है ज्यादा कि आप बहुत परेशान हैं या दुखी हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं देख रहे हैं. हाँ लेकिन ये है कि इनको, हाँ ये तो है कि आप अकेले हैं और कभी कभी अगर ये रोते हैं रातों में तो ये भी सोचते हैं कि आप भी रोते होंगे, ठीक है. ये चीजें नजर आ रही हैं आपसे. कितना रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू गाइज.